हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट या मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों एसएससी जीडी के लिए टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों लाया हूं दोस्तों, जिसमें सभी जीके के क्वेश्चन और हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, वैसे ही क्वेश्चन है जो कि फरवरी और मार्च में जो पेपर हो रहा था वैसा पूछा रहा था। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं बिना देरी के हुए, ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे, केवल आंसर देखेंगे। आप देखिए कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, 51 है दोस्तों कि प्रथम राष्ट्रीय प्राध्यापक पद से सम्मानित होने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ था? तो किसे प्राप्त हुआ था दोस्तों, सीवी रमन को, कि जे सी बोस को, कि जीके गोखले को, कि मेघनाथ शाह को। तो प्रथम राष्ट्रीय प्राध्यापक पद होने का प्राप्त किसे हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था दोस्तों 51 का ये हो जाएगा दोस्तों जीके गोखले। ठीक ना, कि जीके गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देख लेते हैं दोस्तों, मूल्य संवर्धित कर यानी बैट को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी दोस्तों। ये बैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स होता है, यह टैक्स एक प्रकार का होता है, तो इसको लागू करने की सिफारिश किस समिति ने दोस्तों की थी? गाडगिल समिति ने, कि लक्ष्मीकांत झा समिति ने, कि एस के धर समिति ने, कि प्रवण मुखर्जी समिति ने। क्या हो जाएगा 52 का आंसर दोस्तों? तो 52 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, लक्ष्मीकांत झा समिति ने। ठीक ना, 53 देख लेते हैं कि बिहू किस राज्य का पर्व है? हमेशा हर शिफ्ट में दोस्तों बिहू से मतलब पर्व से चाहे त्यौहार से क्वेश्चन पूछ रहा था आपके एसएससी जीडी में। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के असम। तो बिहू कहाँ का दोस्तों पर्व है? तो ये है दोस्तों 53 का, ये है दोस्तों असम है। ठीक ना, बहु आपको कैसी चाहिए? असम चाहिए, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी पर कौन से जयतीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी दोस्तों? 21वें की, 22वें की, 23वें की, 24वें? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 54 का? तो 54 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, 23वें तीर्थंकर जो पारसनाथ थे, उनको पारस की पहाड़ी पर दोस्तों जयतीर्थंकर थे, उनको मोक्ष प्राप्ति हुई थी। ठीक ना, किस राज्य में बाघ ज़्यादा पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, असम में, कि मिजोरम में? कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों बाघ ज़्यादा? ये दोस्तों पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, 55 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अब 55 बाघ और आया ना दोस्तों, तो 55 हो जाएगा दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों 56, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? बताइए बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों 1965, 1971, 1975 को, 1962। क्या हो जाएगा 56 का आंसर दोस्तों? 56 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा 1571 में दोस्तों बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बताया राणा बनाया था? राणा प्रताप ने, कि राणा कुंभा ने, कि राणा सांगा ने, कि मानसिंह ने? देखिए ऐसे ही ऑप्शन भी आपके एग्जाम में देते हैं। ठीक ना, क्या हो जाएगा 57 का? 57 का दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कौ से कीर्ति या कौ से कुंभा, याद रखिएगा। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों, आँख में इनमें से कौन सा रोग होता है? ट्रिकोमा होता है, कि मोतियाबिंद होता है, कि रतौंधी होता है, कि ये सभी होता है? क्या हो जाएगा आंसर 58 का? तो 58 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, सभी होता है। ठीक ना, सभी आँख से संबंधित बीमारी है। भारतीय राष्ट्रीयगान को पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रीयगान को बजाने में कितना समय लगता है दोस्तों? 59 का क्या हो जाएगा आंसर? 47 सेकेंड, की 50 सेकेंड, की 52 सेकेंड, की 60 सेकेंड? ये हो जाएगा दोस्तों 52 सेकेंड। ठीक है, 52 सेकेंड लगता है। महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था? तो किस पर विश्वास था दोस्तों, चर्म पर, कि कर्म पर, कि जाति पर, कि इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा 60 का आंसर? 60 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, कर्म पर विश्वास करते थे। ठीक है, 61 देख लेते हैं दोस्तों, भारत में पंचायती राज का ढांचा कितने स्तरों से विभाजित किया गया है? तो पंचायती राज का ढांचा दोस्तों कितने स्तरों पर है दोस्तों? क्या हो जाएगा 61 का आंसर? 1, 2, 3, 4? ये हो जाएगा दोस्तों 3 स्तर पर है। ठीक ना, 3 स्तर पर है दोस्तों पंचायती राज का ढांचा। 62 देख लेते हैं दोस्तों, ये भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 31 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1950, की 25 दिसंबर 1950? क्या हो जाएगा 62 का आंसर दोस्तों? तो 62 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, 15 मार्च 1950। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों 63 नंबर, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में
कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति का आवश्यक है दोस्तों। तो राष्ट्रपति शासन अगर लग जाएगा दोस्तों तो कितने दिनों के अंदर संसद से स्वीकृति लेना पड़ेगा, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन, क्या हो जाएगा 63 का आंसर दोस्तों। तो 63 का आंसर याद रखेगा दोस्तों 2 मई यानी 60 दिन, ठीक है। अगला देख लेते हैं, लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन काम करता है बताइए। लोकसभा का अधिवालय किस सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है, प्रधानमंत्री के, लोकसभा अध्यक्ष के, गृह मंत्री के, कि राष्ट्रपति के। 64 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 64 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के काम करता है लोकसभा का सचिवालय। 1955 में गठित राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए, राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जे बी कृपलानी, सी के नायडू, बी जे खेर, कि वल्लभ भाई पटेल, क्या हो जाएगा 65 का आंसर दोस्तों। 65 का हो जाएगा दोस्तों बीजे खेर, यानी बीजे खेर थे राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है बताइए, संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, की एक और दो, दोनों, क्या हो जाएगा 66 का आंसर दोस्तों। 66 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, योजना आयोग और वित्त आयोग, ये दोस्तों संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक ना। वित्त आयोग 66 का पहला दूसरा, वित्त आयोग तो होना चाहिए दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, ठीक ना। तो ये योजना आयोग नहीं होगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, वित्त आयोग का उल्लेख तो अनुच्छेद 280 में है ना। अगला देख लेते हैं, निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है बताइए, निम्न पदेन अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री, की राष्ट्रपति, क्या हो जाएगा 67 का आंसर। 67 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक ना। अगला दे लेते हैं, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी है, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी है, फिरदौसी ने, वार्ड भट्ट ने, वराहमिहिर ने, कि इनमें से कोई नहीं। 68 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 68 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, वार्ड भट्ट ने दोस्तों हर्ष की आत्मकथा लिखी है। खजुराहो के मंदिर का संबंध है बताइए, खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है, शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, एक दो तीन दोनों, क्या हो जाएगा 69 का आंसर। 69 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, एक दो और तीन, तीनों दोस्तों खजुराहो मंदिर से संबंधित है, ठीक है तीनों। अगला देख लेते हैं दोस्तों, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है बताइए, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिलता है, भीलवाड़ा में, खजुराहो में, पुरी में, कि वाराणसी में, क्या हो जाएगा 70 का आंसर दोस्तों। तो 70 का पहला सही हो जाएगा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का आपने नाम सुना है दोस्तों, वहाँ पर जैन वास्तुकला का उदाहरण मिलता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि चोल काल में कौडिमय का अर्थ क्या था बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौडिमय का अर्थ क्या था, भू राजस्व लगान या गृह कर, कि चरगाह कर, कि जलाशय कर, क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 71 का। 71 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, भू राजस्व यानी लगान, कौडिमय मतलब भू राजस्व या लगान। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया था दोस्तों, शाहजहां ने, हुमायूं ने, बाबर ने, कि जहांगीर ने, क्या हो जाएगा 72 का आंसर। 72 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, हुमायूं ने, हुमायूं ने दोस्तों 2 बार शासन किया था। 73 दोस्तों कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था बताइए, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था, माधवराव नारायण राव, माधवराव नारायण, कि बाजीराव द्वितीय, क्या हो जाएगा 73 का आंसर। 73 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय दोस्तों मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। 74 देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहली महिला कौन है, अन्ना चांडी, लीला सेठ, सौदामिनी देशमुख, की सरोजिनी नायडू, क्या हो जाएगा 74 का आंसर। 74 का पहला सही हो जाएगा, सो अन्ना चांडी, अन्ना चांडी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, संविधान के उच्च न्यायाधीश न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों को प्रावधान किया गया है दोस्तों, तो कुल कितने न्यायाधीश रह सकते हैं दोस्तों मुख्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, 22, 36, 58 की कोई सीमा नहीं, क्या हो जाएगा 75 का आंसर दोस्तों। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि संविधान के द्वारा उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। ये देखिए कह रहा है संविधान में, तो संविधान में कोई इसकी कोई सीमा नहीं है, संविधान में इसके बारे में नहीं बताया गया दोस्तों कि कितने रहेंगे, ठीक है। वर्तमान में 33 या 34 हैं,
33 या 34 है वर्तमान में, ठीक ना, पहले कम थे। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन थे दोस्तों, ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, न्यायमूर्ति फजल अली, के एम पड़ीकर, हृदयनाथ कुंजरू। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 76 का, 76 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति फजल अली दोस्तों राज्य 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक ना। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है, बताइए भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों, मद्रास है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। क्या हो जाएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आंसर 77 का आंसर हो जाएगा तीसरा आंध्र प्रदेश है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुई थी, बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना ये हुई 1952 में, याद रखिए महत्वपूर्ण है। भारत की संचित निधि से किस प्रकार धन का व्यय हो सकता है दोस्तों, प्रधानमंत्री की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से, वित्त मंत्री की अनुमति से, संसद की अनुमति से, संचित निधि से दोस्तों किस प्रकार के व्यय हो सकता है, क्या हो जाएगा 79 का आंसर, 79 का दोस्तों चौथा हो जाएगा संसद की अनुमति से, ठीक ना। 79 हो गया तो 80 देख लेते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, समान सिविल संहिता के संबंध में, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। क्या हो जाएगा 80 का आंसर दोस्तों, तो 80 का दूसरा सही हो जाएगा, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में दोस्तों अनुच्छेद 40 ये बताता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 81 नंबर देख लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देशों में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो वित्तीय आपातकाल दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, अनुच्छेद 358 369 360 की संविधान में वित्तीय आपात का कोई प्रावधान नहीं है। क्या हो जाएगा 81 का आंसर, 81 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, 360 के अंतर्गत दोस्तों वित्तीय आपात लग सकता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 182, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन अगर लगेगा तो दोस्तों तो कितने समय तक लग सकता है, 2 माह तक, 3 माह तक, 6 माह तक कि 1 वर्ष तक। क्या हो जाएगा 82 का आंसर दोस्तों, 82 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, 6 माह तक, ठीक ना, 82 का तीसरा सही हो जाएगा। 83 देख लेते हैं दोस्तों, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी बनाई थी, बताइए अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने कि औरंगजेब ने। क्या हो जाएगा 83 का आंसर दोस्तों, 83 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, जहांगीर ने दोस्तों न्याय की घंटी बनाई थी। राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगता है, किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है, पढ़ लीजिए ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन है, तीसरा सही हो जाए दोस्तों कि राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के समाधान हो जाने पर, ठीक ना, तो अगर विफल हो जाएगा दोस्तों तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 85, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, बताइए डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा कोयले के लिए। किम्बर्ले प्रसिद्ध है, बताइए किम्बर्ले की खान आपने नाम सुना होगा, किम्बर्ले की खान किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये दोस्तों हीरा के खनन के लिए, याद रखिएगा दोनों, ये कोयले के लिए, एक हीरा खनन के लिए। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है ना, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, महानदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी की स्वर्ण देखा नदी। 87 का क्या हो जाएगा आंसर, 87 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। 88 देख लेते हैं दोस्तों कि भारत के किस राज्य में डल झील स्थित है, बताइए डल झील किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, कि जम्मू कश्मीर में। 88 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 88 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में दोस्तों डल झील है, डल झील जम्मू कश्मीर। 89 देख लेते हैं दोस्तों कि पाक जल डमरू मध्य यानी पाक जल संधि किसको जोड़ती है, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा मनार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, मनार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ठीक ना, पाक जल संधि, और भारत श्रीलंका रहता तो वो भी आंसर हो जाता। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश बताइए, चावल का ये हो जाएगा सो चीन हो जाएगा, चौसे चावल चौसे चीन, ठीक ना। प्राय सप्तमी एवं अष्टमी के दिन सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, इस दिन को कौन सा ज्वार आता है, कौन सा ज्वार आता है ये पूछ रहा है, उच्च ज्वार, मध्यम ज्वार, निम्न ज्वार, ये सभी
तो 93 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा निम्न ज्वार रहता है जब संकोट पर रहते हैं तो, ठीक है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, बताइए चाय का उत्पादक देश कौन है सर्वाधिक, ये भारत है दोस्तों। अगला देख लेते हैं दोस्तों, विश्व में केले का सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, 93 बताइए, ये भी भारत है। इसको मिलान करना है दोस्तों कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, लेब्राडोर ठंडी धारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, इक्यूरोसी ठंडी है कि अंगुलूहास गर्म है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताना, 94 का चौथा सही दोस्तों अंगुलूहास गर्म धारा नहीं है, ठीक ना। 24 घंटे में ज्वार कितनी बार आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 24 घंटे में ज्वार कितनी बार आता है, तो ये 94-95 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो ये आता है एक बार, ठीक ना। 96 देख लेते हैं, भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, बताइए भूमध्य सागर से को अटलांटिक सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, डोवर की, हटसन की, सुंडा की, जिब्राल्टर, तो ये जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, बताइए विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, अरब का पठार, मंगोलिया का पठार, तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार, क्या हो जाएगा 97 का आंसर, 97 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, तिब्बत का पठार दोस्तों सबसे ऊंचा है। 98 देख लेते हैं दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ है, बताइए प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ है किससे, लावा से हुआ है, भूकंप से हुआ है, समुद्री लहर से हुआ है, किनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा 98 का आंसर, 98 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, लावा से हुआ है। 99 देख लेते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए सर्वाधिक उत्पादक देश है, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सुमेलित नहीं है, तीसरा दोस्तों पाकसाइड, ये मैक्सिको, ये सुमेलित नहीं है, ठीक ना, बाकी सब सुमेलित है। 100 नंबर एक उच्च ज्वार सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है, तो ऐसा होता है दोस्तों पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 50 क्वेश्चन आपको कम समय में अच्छे लगे होंगे, ठीक ना, आप जरूर मेहनत कीजिए दोस्तों, एकदम आपका निकल जाएगा SSC। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।